Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, we are going to discuss about introduction of this chapter, chapter number 6, Kingdom Prokaryote, and size of bacteria. According to the accelerated learning program या फिर smart syllabus जिसे आप कह रहे हैं, इसके according structure of bacteria एक syllabus का portion है. इसके अलावा size, shape of bacteria, bacterial cell structure and so on. Structure के topic में जो सब topics हैं size और shape की, हम पहले वो discuss कर लेंगे. उसके बाद जो है वो bacterial structures की तरफ जो है हम move करेंगे. So first जो इंट्रोडक्शन है बैक्टीरिया के हवाले से या प्रोकैरियोट्स के हवाले से, किंगडम प्रोकैरियोटे, या इसको हम एक और नाम देते हैं किंगडम मोनेरा. फाइव किंगडम सिस्टम चैप्टर 5 में आपने इसको पढ़ा. किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया दो तरह के, एक यू बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया और एक एंशियंट बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं आर्किया, आर्कियोबैक्टीरिया. सो आर्कियोबैक्टीरिया याद रखिएगा कि जो एंशियंट बैक्टीरिया हैं, दे लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम कंडीशन में ये शुरू से जो है वो मौजूद है. बाद में आते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया, जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल्स हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं, उनको मॉडर्न ग्रुप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स में रखते हैं, विच इवॉल्व लेटर ऑन, जो बाद में इवॉल्व हुए, बाद में बने. और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग भी दो कैटेगरीज हैं बस बैक्टीरिया की या प्रोकैरियोट्स के हवाले से. यू बैक्टीरिया, ग्रीक फॉर ट्रू बैक्टीरिया, एंड अ मच स्मॉलर डिवीजन विच इज नाउन एज आर्किया और आर्कियो बैक्टीरिया. ग्रीक वर्ड है ये भी आर्कियो बैक्टीरिया, जिसका मतलब क्या होता है, एंशियंट बैक्टीरिया. चैप्टर 6 में आप किंगडम प्रोकैरियोटे पढ़ रहे होंगे. चैप्टर 7 विल बी अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा. चैप्टर 8 विल बी अबाउट किंगडम फंजाय. चैप्टर 9 अबाउट प्लांटी एंड चैप्टर 10 विल बी अबाउट एनिमिलिया. सो दैट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स साइज ऑफ बैक्टीरिया. कि ओवरऑल बैक्टीरियल साइज की रेंज होती है 0.1 टू 600 माइक्रोमीटर तक. यू कह लें कि जो लार्जेस्ट वायरस है उसका साइज स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम के इक्वल होता है. स्मॉलेस्ट साइज ये भी आपने मेमोराइज करना है इस फैक्ट को, 100 टू 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. यह माइकोप्लाज्मा, दे आर अबाउट अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ लार्जेस्ट वायरसेस. जो लार्जेस्ट वायरसेस का साइज है पॉक्स वायरसेस का, उनके ऑलमोस्ट इक्वल है. और ये माइक्रोमीटर की बजाय तो यहां पे नैनोमीटर मेंशनड है. बहरहाल इसके बाद ये जो पहला फैक्ट है ये नैनोमीटर है. इसके बाद अगर आप देखें तो एवरेज साइज जो है इकोलाई का एवरेज साइज है 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर. ये विड्थ है इनकी. और 2 to 6 इकोलाय, ये सामने आपको बने हुए नजर आ रहे हैं इकोलाय बैक्टीरिया. लेंथ वाइज इनकी जो लेंथ है वो है 2 to 6 माइक्रोमीटर. और इनकी जो चौड़ाई है, इनकी जो विड्थ है इकोलाय बैक्टीरिया की, ये है 1.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर. और जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा आपको इधर बने नजर आ रहे होंगे. लेट मी स्टॉप द वीडियो. जी, ये माइकोप्लाज्मा इधर नजर आ रहे होंगे आप हैंड के ऊपर जो शो किए गए हैं, फिंगर्स पे, सॉरी. अ पैरासिटिक बैक्टीरियम विच लिव्स इन द प्राइमेट ब्लैडर, वेस्ट डिस्पोजल, जेनिटल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट नाउन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ये स्मॉलेस्ट नाउन ऑर्गेनिज्म भी कहलाता है. द लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम, उसको भी हम पढ़ेंगे, वो भी मेमोराइज करना आपने. और एक स्पायरोकीट की लेंथ दी हुई है यहाँ पे. These are spirochete bacteria. बल्कि spirochete इधर mentioned है भाई, ये तो spiral है. These are spirochete bacteria, which are 500 micrometer in length, and occasionally they reach this length के 500 micrometer तक उनकी length होती है.
स्टेफेलोकोकाई इस तरह नजर आते हैं, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह, ये स्टेफेलोकोकाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ये है जी स्ट्रेप्टोकोकाई। इनके जो लेंथ है या इनके जो साइज की रेंज है 0.75 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, यहाँ पे माइक्रोमीटर है, ये नैनोमीटर था फर्स्ट जो है माइक्रोप्लाज्मा के हवाले से। तो ये साइज में एक तो ये इनकी डिफरेंट रेंजेस दी हैं। इसके अलावा साइज की अगर बात करें, रिसेंटली ह्यूज बैक्टीरियम, लार्जेस्ट जो बैक्टीरियम हैज बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन सर्जियन फिश। ब्राउन सर्जियन फिश ये आपको सामने नजर आ रही है, इसको कहते हैं एकेंथ्रस नाइग्रोफिस्कस। इसके अंदर एक लार्ज साइज का बैक्टीरियम ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज नेम्ड एज एपल्पिशियम। ये बैक्टीरियम है जो इसकी गट के अंदर ऑब्जर्व किया गया, कहां पैरामिशियम इससे बहुत छोटा। इकोलाई वो देखें डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है, इधर इकोलाई वो एक डॉट है और उसके मुकाबले में एपल्पिशियम का साइज ये है। इट्स लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाय द हेल्प ऑफ नेकेड आई। ये इतना बड़ा बैक्टीरियम होता है कि इसको आम आंख से भी देखा जा सकता है विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप और लेंस। तो इसकी लेंथ कितनी होती है भी, 600 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा ये एंड 80 माइक्रोमीटर वाइड। 80 माइक्रोमीटर 80 बाय 600, ये इसकी जो है वो इसका साइज है एपल्पिशियम फिशल सुनाए। एंड इट इज नाउ क्लियर दैट अ फ्यू बैक्टीरिया आर मच लार्जर देन द एवरेज यूकैरियोटिक सेल, बल्कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनसे भी लार्जर साइज का ये बैक्टीरियम है। और वैसे ये तो था आपके पास जो है वो बुक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट बैक्टीरियम, इसको भी आप याद रखेंगे एपल्पिशियम फिशल सुनाए। जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट बैक्टीरियम जो है वो है थायो मार्गरेटा नेम्बियंसिस। ये आपको मेमोराइज नहीं करना, लेकिन ये आपके लिए अपडेटेड इंफॉर्मेशन है कि इससे भी लार्जर साइज के बैक्टीरिया डिस्कवर हो चुके हैं। इज अ ग्राम नेगेटिव कोकाइड प्रोटियो बैक्टीरियम found in ocean sediments of the continent shelf of Namibia. इसलिए इसको Namibiensis country के हवाले से कहा जाता है। ये largest bacterium है ever discovered as a rule. 0.1 से 0.3 millimeter इसका size है, या 100 से 300 micrometer in diameter. But sometimes attaining 0.75 millimeter, ये 750 micrometer तक भी इसका size जा सकता है। तो ये इसकी different pictures हैं, साथ ही फ्लाई पड़ी हुई और उसके साथ ही बैक्टीरियम का साइज शो किया गया कि ये बैक्टीरियम लार्जर है। सो लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम थियो मार्गरेटा नेमिबियंसिस है, जबकि अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे दैट विल बी एपल्पिशियम फिशल सोनाए। दैट वाज ऑल अबाउट साइज ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और देयर रेंजेस। अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से भी तो आप डिस्कस कर सकते हैं।